गुड मॉर्निंग, दिस इज मनजीत सिंह, 267 पॉकेट 2 सेक्टर 23 रोहिणी. माय टेरेस गार्डन हैज शिफ्टेड फ्रॉम B46 साउथ मोतीबाग न्यू दिल्ली. सो आई हैव डिसाइडेड टू गिव एन ओवरव्यू to all of my viewers who can enjoy and feel the goodness of terrace gardening or gardening in general. तो दोस्तों, हिंदी में वापस आता हूँ. सभी viewers English नहीं जानते, तो मैं इसीलिए हिंदी भाषा में वापस आ रहा हूँ. And you see, ये बैंगन ब्रिंजन छोटा सा गमला है, और आप देखें साइज. दिस इज प्योरली ऑर्गेनिक बेस्ड ऑन लिक्विड मैन्योर, जो कि सरसों की खली से तैयार करते हैं, और दूसरा कंपोस्ट, जो कि सूखी पत्तियों से तैयार करते हैं. यही है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है. ये देखिए, ये खाद तैयार हो रही है, ये आपके सामने है. ऑलरेडी तैयार की हुई खाद वहाँ पड़ी हुई है दूसरी जगह. तो एक ओवरव्यू मैं देते देते साथ में आपको इनपुट्स दे देता हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम बिना खाद, यानी कि बिना केमिकल्स के, जो हम सालों साल से खाते आ रहे हैं, बिना केमिकल्स के हम सब्जियाँ अगर हो सकें तो खाएँ. और दूसरा, जो केमिकल से होने वाली सब्जियों के जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनको हम दूर कर सकें, उनसे हम बच सकें, अपने बच्चों को अच्छी सेहत का वादा कर सकें. ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा अगर आप अपने लेवल पे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एफर्ट करके आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा सकते हैं. तो यहाँ देखें, फ्लावर्स आ चुके हैं. यहाँ देखें, कलियाँ आ चुकी हैं, मोटी मोटी कलियाँ आ चुकी हैं. तो मैंने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं, वाटरमेलन यानी तरबूज, और मेलन यानी खरबूज, और ककड़ी, घिया, टिंडा, खीरा, चप्पन कद्दू, और ये मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखिए, ये सब में फ्लावरिंग हो चुकी है और बढ़िया. ये देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी ककड़ी लगी हुई है. यस, अब दिखाई दे रही होगी. तो शुरू हो गया है अभी, ये पहला, यानी कि पहला ब्लूम आ रहा है, और फ्लावरिंग जबरदस्त है. ये देखिए, एक ही डाल पे आप देखें, ये दो डालें मिल रही हैं. फ्लावरिंग कितनी जबरदस्त है, और इसका कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा है. यानी कि जो मैं लिक्विड खाद डाल रहा हूँ, जो सरसों की खली से बनाई हुई, उसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया. तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू देना चाहता था आपको. ये फ्लावर्स, अब सीजन क्योंकि जा रहा है, अप्रैल आ गया है, फिर भी देखिए फ्लावर्स आधे सूख गए हैं, बीज बन गए हैं. इसको मैं प्रिजर्व करूंगा बीजों के रूप में, ताकि खुद तो इस्तेमाल करूं ही नेक्स्ट सीजन में, दूसरे लोग जो भी इंटरेस्टेड हों गार्डनिंग में, जो भी आसपास के परिवार हैं सोसाइटी में, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ इफ़ दे नीड. तो यहाँ पर देखिए, हरी मिर्च भर के आई हुई है, बहुत भर के. अभी कल हमारे जो सामने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें से हरी मिर्च ली है. मैंने कहा था उनको कि बाहर से नहीं लेनी है, आपने घर में है तो आपने अपनी मर्जी से जब चाहें जाएंगे और हरी मिर्च आप ले लेंगे. तो उन्होंने कल मेरे कहने पर हरी मिर्च ली. वैसे बैंगन वगैरह मैं उनको देता ही रहता हूँ,
और बाकी सब्जियां और हो रही हैं, हम शेयर करते हैं आपस में। और उन लोगों की मुझे मॉरल सपोर्ट है, बहुत अच्छा लगता है और मुझे और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है काम करने में, मेरा शौक है। एंड इसको मैं पोषित करता रहता हूँ, नॉरिश करता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये अनार हैं, ये बहुत बढ़िया हैं, इनमें कलियां आई थी, सभी गिर गई हैं क्योंकि पहले फ्लश में ऐसे होता है। और यहाँ देखिए, ये ककड़ी की बेल है, ककड़ियाँ आ चुकी हैं, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं, यस ककड़ियाँ आ चुकी हैं इसमें, और बहुत से फ्लावर्स आए हुए हैं, इन सब में ककड़ियाँ लगने वाली हैं। एंड सी, दिस इज बोगनवेलिया बोनसाई प्लांट, ये करेला है, करेले की बेल, यहाँ पर ये इमली का पौधा है, इधर बोगन है, बोगन का बोनसाई बन रहा है, और ये देखिए ये बेल फ्लावरिंग। आप नोट करें कि फ्लावरिंग सब में बहुत जबरदस्त आ रही है और सब में कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि फ्लावर से फ्रूट बनने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो काफ़ी सक्सेसफुली हो रहा है और काफ़ी अच्छी परसेंटेज है। तो आप भी, ये देखिए टिंडा, ये बेल जो है आई थिंक ककड़ी की है, लेकिन ये देखिए टिंडा, टिंडे की बेल है, और यहाँ पे देखिए एक बड़ा टिंडा जो शुरू में ही आया और बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं देख ही नहीं पाया इसको, यानी छुपा हुआ था, तो मैंने उसे बीज के लिए तैयार कर दिया। यानी अब इसका बीज जो होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बीज होगा। आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक की एक वेस्ट बाल्टी है जो ऊपर से थोड़ी टूट गई थी, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया और उसी में ये लगा हुआ है। ये लिली है, लिली प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट है, साल में एक बार सिर्फ फ्लावर देता है, रेड लिली है ये इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, यस, ग्रो बैग में लगाया हुआ है। तो ग्रो बैग में बहुत अच्छी, ये घी की बेल है, ये देखिए प्याज, ये प्याज के सारे ये बॉल सी जो बनी हुई हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये बीज हैं जो कि तैयार हो रहे हैं, और बहुत से बीज अभी नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैंने इनको, प्याज को तैयार किया है। यहाँ पर देखिए ये देखिए बैंगन, ओके, और यहाँ पर कुछ सफ़ेद बैंगन भी आ रहे हैं, ये करेले की बेल है, ओके, ये देखिए ये छत, ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए ये एरोकेरिया प्लांट, अच्छा हेल्दी प्लांट है, और ये नींबू है बड़े गमले में जो लगा हुआ है, ये देखें बड़ा गमला, 22-25 इंच का जो गमला होता है, इसमें नींबू आए थे और थोड़े आए थे क्योंकि फर्स्ट सीजन था इसका। ये नर्सरी से लाया हुआ पौधा है, मैंने नहीं लगाया, लेकिन ये अगर बहुत सारी फ्रूटिंग देता है तो मैं इसकी कटिंग्स में प्रोपगेट करूँगा फर्दर। पहले मुझे इसके रिजल्ट्स देखने हैं, सेकंड सीजन में पता लग जाएगा। तो ये देखिए साइकस, बड़ा प्लांट है, और ये साइकस का मैं गमला दिखा देता हूँ आपको, ये इसमें हुआ पड़ा है, इसमें इसकी भी बॉल्स निकलती हैं और प्रोपगेशन के लिए इसकी बॉल्स यूज़ होती हैं, यानी कि फर्दर आप पौधे बढ़ाना चाहते हो तो वो बॉल्स साइड पर निकलती हैं, मदर प्लांट के साइड पर। यहाँ देखिए यूनिप्रस, ये इसमें लगा हुआ है, यूनिप्रस अच्छा पौधा है, इसको क्रिसमस ट्री भी कहते हैं कुछ लोग, कॉमनली इन कॉमन लैंग्वेज। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू मेरे गार्डन का आज की डेट में। मैंने क्योंकि शिफ्ट किया था,
साउथ मोतीबाग, जो कि मेरा गवर्नमेंट अकोमोडेशन थी, वहाँ से मैंने शिफ्ट किया है अपने मकान में रोहनी में, पॉकेट टू सेक्टर 23 में। तो मैंने कहा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये अच्छा लगेगा कि वेल मेंटेन्ड है गार्डन, आप देखें। और कोई इनपुट्स चाहिए, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इसी नंबर पे। और ये देखिए, मैं आपको वाइट बैंगन दिखाना था मुझे, ये देखिए वाइट बैंगन यहाँ पर भी लगा हुआ है, वाइट बैंगन ये देखिए, ये देखिए, ये दिखाना था मुझे वाइट बैंगन। यस, तो वाइट बैंगन थोड़ा सख्त होता है टेक्सचर में, और दूसरा जो नॉर्मली जिसको मैजेंटा कलर में कहते हैं या ब्लू बैंगन जो कहते हैं कुछ लोग, तो वो जो होता है टेक्सचर में सॉफ्टर होता है वाइट बैंगन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये देखिए, दोस्तों ये टोमेटो प्लांट फ्लावर्स आ चुके हैं, ये देखिए क्लोज से यहाँ पर, ये देखिए बैंगन का छोटा सा, ये देखिए, ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ ये मेरी उंगली जो है उसको टच कर रही है, तो ये चलता रहता है ये प्रोसेस। यहाँ पे देखें ये बैंगन, यहाँ पे देखें ये बैंगन। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, टेक केयर ऑफ योर गार्डनिंग पैशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।